कालराज जब उस जंगल पहुंचा तब उसने ये देखा कि वहां पर किसी भी पक्षी की या जंगल की कोई भी आवाज आ ही नहीं रही थी। कालराज को यह तो पता चल गया था कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब था, क्योंकि कोहरा इतना घना हो चुका था कि उसे आगे की कोई भी चीज नहीं दिख रही थी। उसने अपने घोड़े की गति बहुत ही धीमी कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे दिखाई दिया कि वो अब किसी घाटी नुमा जगह पर पहुंच गया था। कोहरा और घाटी को चीरते हुए वो आगे बढ़ता गया। उसने अपनी शक्ति से हाथ में एक मशाल प्रकट की और उस मशाल की रोशनी में आगे देखने की कोशिश करने लगा, पर उस मशाल की रोशनी घने कोहरे को ज्यादा दूर तक नहीं काट पा रही थी। कालराज इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ देर और आगे चलने के बाद कोहरा धीरे धीरे कम होता गया और उसे एहसास हुआ कि वो घाटी के नीचे तक आ पहुंचा था। घाटी वैसे तो थोड़ी गहरी थी, पर राक्षसी घोड़े ने उसे ऐसे पार किया मानो उसकी गहराई कुछ भी ना हो। इस पूरे वक्त में कालराज को ना तो कुछ दिखाई दे रहा था, ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। जंगल में बहुत सन्नाटा था, ना हवा की सरसराहट, ना पत्तों की आवाज, ना पक्षियों की चहचहाहट और ना ही किसी जानवर की आवाज। मानो सबने एक साथ चुप्पी धर ली हो। पर जैसे धीरे धीरे कोहरा घटता गया, जंगल ने भी फिर से धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वहां हल्की सी गुलाबी ठंड थी, जिससे इतनी दूरी तय करके आए कालराज को थोड़ी राहत महसूस होने लगी थी। इस ठंड के साथ वहां के वातावरण में भीनी भीनी फूलों की खुशबू फैली थी। ये खुशबू जैसे चमेली, गुलाब और भी अन्य फूलों की मिश्रित खुशबू थी। ये खुशबू और हल्की सी ठंड मन को शांत कर रहे थे। इसके साथ वहां चिड़ियों की बड़ी सी मधुर आवाज हर जगह सुनाई दे रही थी। कालराज थोड़ा ही आगे बढ़ा और कोहरा पूरी तरह छट गया। उसने वहां एक तालाब देखा जो दो पहाड़ों के बीच उनकी गुद में बैठा हुआ प्रतीत हो रहा था। भले ही कालराज अभी अभी एक खाई से उतर कर आया हो, पर यह तालाब बड़ी ही ऊंचाई पर स्थित था। वहां से बहुत ही विहंगम दृश्य दिख रहा था। पूरा जंगल और कई पहाड़ एक साथ वहां दिखाई दे रहे थे। वहां से कई झरने नीचे बहते हुए दिखाई दे रहे थे और उनकी धीमी सी आवाज वहां तक पहुंच रही थी। तालाब के आसपास कई प्राणी दिख रहे थे। कुछ हिरण वहां पर खेल रहे थे, दूसरी ओर कुछ मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर तालाब के पास इस तरह नृत्य कर रहे हो जैसे वर्षा ऋतु के आगमन की खबर सबको दे रहे हो। तालाब के इर्द गिर्द फूलों के अलग अलग बहुत से इतने पौधे थे कि मानो तालाब ने इन फूलों का हार पहन लिया हो। इन पौधों पर बहुत सी रंग बिरंगी छोटी बड़ी तितलियां थी जो एक दूसरे से पकड़ा पकड़ी खेलती नजर आ रही थी। सारे पेड़ पौधों पर ओस जमी हुई थी, जिससे वातावरण में और भी ठंडक लग रही थी। उस तालाब में कई सारे हल्के गुलाबी रंग के कमल के फूल खिले हुए थे। इन फूलों के बीच में हंसों के कुछ जोड़े तालाब में इस तरह बैठे थे कि मानो ये सारा नजारा बस उन्हीं के लिए कुदरत ने बनाया हो, और अब उन्हें बस इसी नजारे को जी भर के देखने के लिए कुदरत ने ही आमंत्रित किया हो। हर तरफ बिल्कुल हल्का सा कोहरा छाया हुआ था। तालाब के बीचों बीच एक खिला हुआ स्वर्ण कमल था। इस स्वर्ण कमल के ऊपर एक रत्न जड़ित स्वर्ण कलश रखा हुआ था। सूरज की हल्की किरणें इस पर पड़ने के कारण ये चमक रहा था और दूर से ही दिखाई पड़ रहा था। स्वर्ण कलश के अंदर अमृत की कुछ बूंदे थी। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत की कुछ बूंदे छलकी, तो ये कुछ बूंदे भूदेवी ने इस स्वर्ण कलश में संभाल कर अपने पास रख ली थी। इसी कलश की तलाश में कालराज यहां तक आ पहुंचा था। कालराज को ये कलश दूर से ही दिख गया और उसने अपने आप से कहा, आखिर मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई, और वो उस कलश की ओर बढ़ने लगा। उस तरफ अरमान और अभिलाषा की बातें चल रही थी। अभिलाषा ने अरमान को समझाते हुए कहा, मुझे पता है अरमान कि देव नियति को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर तुम्हें आयशा को बचाने के लिए कुछ करना ही है तो मैं तो कहूंगी कि तुम विजयदेव से जाकर मिल लो और उन्हें पूछो कि कुछ तो ऐसा उपाय होगा जिससे आयशा जब तक गर्भवती है तब तक उसे तकलीफ ना हो। क्या हम इतनी भी कोशिश नहीं कर सकते? अभिलाषा की यह बात सुनकर अरमान कुछ देर सोच में पड़ गया और इस पर कुछ देर सोचकर विजयदेव से मिलने के लिए हामी भर दी, क्योंकि इस वक्त इससे अच्छा उपाय कुछ और था ही नहीं, और आयशा भी उसे अमृत लाने से रोक रही थी। अरमान ने अभिलाषा से कहा, हाँ मां, मैं विजयदेव से जरूर मिलूंगा और इस बात पर चर्चा करूंगा।
ये कहकर अरमान अभिलाषा के कमरे से निकला और जाते हुए आयशा के कमरे में गया। आयशा के कमरे में तब सुरभि नहीं थी और आयशा बस सोने ही वाली थी। तभी आयशा ने अरमान से कहा, क्या हुआ अरमान, मुझे लगा तुम सोने चले गए हो, बोलो क्या बात है। तब अरमान आयशा के पास गया और बोला, आयशा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने मुझसे कहा कि मैं अपनी जान जोखिम में डालकर अमृत लेने नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसमें मेरी जान चली जाती है तो ये तुम देख नहीं पाओगी। ठीक है, मैंने इस बात को मान लिया, लेकिन तुम्हारी जान बचाने और तुम्हारी पीड़ा को कम करने के लिए मैं कुछ भी ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ये बच्चा तुम्हारे पेट में है तब तक तुम्हें कोई पीड़ा ना हो इसका सलूशन कोई तो होगा ना। बस यही पूछने के लिए मैं विजय देव के पास जा रहा हूँ। ये करने में ना तो मेरी जान को कोई खतरा है और ना ही इसमें तुम्हारी दी हुई कसम टूटती है। इसलिए अब तुम ये मत कहना कि मैं नहीं जा सकता। इस बार मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, मुझे किसी भी तरह विजयदेव से इस बारे में बात करनी ही होगी। आयशा कुछ बोल नहीं जा रही थी कि तभी अरमान ने उससे कहा, नहीं आयशा, तुम मुझे बिल्कुल मना नहीं करोगी। ये सुनकर आयशा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबा मेरी बात तो सुन लो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूं। अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो तुम जाओ और विजयदेव से इस बारे में बात करो। इस पर अरमान आयशा को देखकर मुस्कुराया और उसका माथा चूमते हुए उसे सोने के लिए कहा। अरमान ने आयशा को उसके बिस्तर पर लेटा दिया और उस पर चादर ओढ़ा दी। आयशा ने अरमान की तरफ देखकर अपनी पलकों को झपकाया और अरमान को विदा किया। अरमान ने उसके कमरे से बाहर जाकर आयशा के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अरमान आयशा के कमरे से बाहर निकला और आश्रम के बाहर निकल गया। आयशा के कमरे से बाहर जाकर अरमान एक कोने में गया और उसने अपनी आंखें बंद करके विजयदेव को याद किया। अरमान के विजयदेव को याद करते ही उसके सामने एक दिव्य रास्ता खुल गया। अरमान उस दिव्य रास्ते के अंदर चला गया और दिव्य रास्ता बंद हो गया। ये दिव्य रास्ता देवलोक में खुला और अरमान उससे बाहर निकला। बाहर आने के बाद अरमान सीधा विजयदेव के पास गया और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। विजयदेव ने अरमान को देखते ही कहा, बोलो अरमान क्या बात है, तुमने मुझे याद किया था, सब कुछ ठीक तो है। अरमान ने विजयदेव को जवाब देते हुए कहा, नहीं देव, सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं है। आप तो जानते हैं जब आयशा उस बच्चे को जन्म देगी तब उस बच्चे के जन्म लेते ही आयशा की मृत्यु भी निश्चित है और यही नियति है, और इस नियति ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है देव। अब तक आयशा को तो सिर्फ उल्टियां होती थी और चक्कर आते थे, पर अब उसे उल्टी के साथ थोड़ा खून भी निकलना शुरू हो गया है और उसके पेट में दर्द भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी कारण मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि उसके पेट में जो बच्चा है उसका विकास एक साधारण बच्चे से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। इसी कारण आयशा की जान को भी खतरा है, क्योंकि वक्त के साथ उसका विकास भी बहुत ही तेजी से होगा। विजयदेव, मैं आयशा को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता, मैं उसकी जान अपनी आंखों के सामने जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने जाकर अमृत लाने की ठानी थी, पर आयशा ने मुझे किसी तरह रोक लिया। देव मुझे बताइए, इसका और क्या पर्याय हो सकता है। इस पर विजयदेव ने अरमान से कहा, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं अरमान, तुम सबसे पहले तो थोड़ा शांत हो जाओ, हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। मुझे पता है जितनी पीड़ा आयशा को हो रही है उतनी ही पीड़ा या फिर उससे भी ज्यादा पीड़ा तुम्हें हो रही होगी। जो तुम अमृत लाकर आयशा को पिलाने की सोच रहे हो, मेरे विचार में वो नहीं किया जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आयशा को अमृत पिलाया जाता है तो उसका दर्द तो जरूर कम होगा, पर उससे आयशा जो अमर हो जाएगी वो उसके लिए वरदान कम श्राप ज्यादा होगा। इसलिए आयशा को अमृत पिलाने की बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो। लेकिन बात यह है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, चाहे आयशा को अमृत नहीं पिलाना है लेकिन फिर भी तुम्हें अमृत लेने तो जाना ही होगा। इस पर अरमान ने उलझन में विजयदेव से सवाल किया, लेकिन देव अगर आयशा को अमृत पिलाना ही नहीं है तो अमृत लाकर क्या फायदा। ये सुनकर विजयदेव ने अरमान को जवाब दिया, वो इसलिए अरमान क्योंकि अमृत अब खतरे में है, कालराज अमृत लेने के लिए निकल पड़ा है,
अगर ये अमृत कालराज के हाथ लग गया तो हमारे लिए और साथ साथ इस पूरी दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अमृत मिलने के बाद वो अमृत से कुछ भी कर सकता है। एक संभावना तो ये है कि वो अमृत खुद पी ले और अमर बन जाए, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। और दूसरी संभावना ये है कि इस अमृत की सहायता से वो कालांड को प्रकट कर सकता है। इसलिए अमृत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें वहां जाकर उसे लाना ही होगा। ये सुनकर अरमान ने विजयदेव से प्रश्न किया, लेकिन देव, अमृत की सुरक्षा तो नाग जाति के देव पहले ही कर रहे हैं ना? वहां नागों का सुरक्षा दल तैनात पहले से ही है। विजयदेव ने अरमान को कहा, हाँ अरमान, वहां नागों का सुरक्षा दल तो तैनात है, पर अगर कालराज उन्हें हराने में कामयाब होता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी। तुम्हें तो पता ही है कि कालराज कितना शक्तिशाली है, और तुम्हें ये भी पता है कि वहां देवों का जाना वर्जित है, क्योंकि गरुड़ देव ने वहां के नागों से ये वादा किया है कि वहां कोई भी देव नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां नागों का आधिपत्य है। इसलिए अरमान, तुम्हें वहां जाना होगा और अमृत को कालराज के हाथों लगने से किसी तरह रोकना होगा। अरमान ने चिंतित होकर विजयदेव से कहा, लेकिन देव, मैंने आयशा से वादा किया है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, और अगर मैं वहां जा रहा हूं और उस अमृत को अगर आयशा को ना पिलाऊं तो मेरा वहां जाने का क्या फायदा? देव, आप ऐसा कीजिए कि किसी और देव को वहां भेज दीजिए। अगर आप अपने वचन को भंग करते हैं और उससे सारी चीजें ठीक हो जाती है तो ये करना बेहतर होगा, क्योंकि इसमें मेरा भी वादा नहीं टूटेगा। विजयदेव ने यह सुनकर अरमान से कहा, तुम्हें तुम्हारा वचन ना तोड़ना पड़े, इसलिए हम अपना वचन तोड़ दें। तुमने तो अपना वचन आयशा को दिया है, पर स्वयं गुरुदेव ने यह वचन नागो को दिया है। इसमें तुम्हारा वचन कम पड़ रहा है अरमान, तुम्हें अमृत लाने जाना ही होगा। एक बार तुम उस अमृत को अगर सुरक्षित ले आए तो हम उसे यहाँ देवलोक में स्थापित कर देंगे। और रही बात आयशा की, तो उसकी पीड़ा कम करने के लिए हम कोई उपाय सोचते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अमृत ले आओ। उस तरफ सुरभि ने आयशा के लिए दूध थोड़ा गर्म किया और उसे ग्लास में डालने के बाद उसमें किसी चीज की दो बूंदे डाली और आयशा के कमरे की ओर निकल पड़ी। आयशा को नींद लगने ही वाली थी कि उसका दरवाजा सुरभि ने खटखटाया और अंदर आ गई। उसने लाइट जलाई और आयशा से कहा, आयशा, सोने से पहले तुम ये दूध पी लो। इस पर आयशा ने सुरभि से कहा, अरे सुरभि, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? सुरभि ने कहा, नहीं आयशा, अब तुम्हें ताकत की जरूरत है। तुम्हें अब खुद के साथ तुम्हारे बच्चे के पोषण का ख्याल रखना होगा। आयशा ने मुस्कुराते हुए ग्लास लिया और सुरभि से कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं दूध पी लेती हूँ। और आयशा ने दूध पीना शुरू किया। अरमान बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया था। अरमान इस गहरी सोच में चला गया कि एक तरफ आयशा से किया हुआ वादा था और दूसरी तरफ अमृत को कालराज से बचाना भी जरूरी था, क्योंकि अगर एक बार ये अमृत कालराज के हाथों में लग गया तो फिर ये एक बड़ा ही गंभीर विषय बन जाएगा और सबके लिए बिल्कुल ही नई समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर उसने खुद को समझाते हुए ये भी सोचा कि आयशा ने तो उसे खुद के लिए अमृत लाने से मना किया था, पर अब तो वो अमृत कालराज के हाथों से बचाने के लिए जा रहा था, इसलिए इसमें कोई स्वार्थ का विषय नहीं था। वो इस अमृत को अपनों के लिए नहीं ले जा रहा था, पर उसे कालराज के हाथों से बचाने के लिए ले जा रहा था। और दूसरी बात इसमें ये थी कि उसमें गरुड़ देव के वचन का भी सम्मान रखना था और अमृत की भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। इस पर काफी सोचने के बाद और खुद से ही बहस करने के बाद अरमान इस नतीजे पर आया कि उसे अमृत बचाने जाना ही होगा। उसने विजयदेव से इस कार्य को करने के लिए हामी भर दी। तब अरमान ने दिव्य द्वार खोला और उसमें चला गया और द्वार बंद हो गया। कालराज और अरमान का सामना कैसे होगा? क्या अरमान अमृत की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? क्या सुरभि आयशा को भड़काने में कामयाब रहेगी? जानने के लिए सुनते रहिए फना, ओनली ऑन पॉकेट FM।